गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। अब हम लोग 2010 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो 2010 का हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 12 नंबर से शुरू है, 2010 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12 का ए, ये है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड, इज 75% कंप्लीटेड इन 60 मिनट, इन 60 मिनट्स, ठीक है। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट हो गया है। तो कहता है कितना में, इन 60 मिनट, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड। हाफ लाइफ निकालने के लिए हम लोग 2009 में इसका डेरिवेशन पढ़े थे, तो डेरिवेशन का यूज कर लेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन में होगा इसका। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। तो अब देखिए कोई इसमें इसको समझिए पहले, कहता है 75% कंप्लीटेड, मान लीजिए हम लोग यही डेरिवेशन किए थे, ए से प्रोडक्ट बना था, ए से प्रोडक्ट बनाए थे, इनिशियल कंसंट्रेशन माने थे इसका, अब 100% है तो 100 हो जाएगा, तो इनिशियली जीरो, 75% कंप्लीट, तो बचा कितना, ए माइनस एक्स कितना बचा, हम लोग ए माने थे तो ए माइनस एक्स 25 हो गया, यहाँ तब बन गया 75% प्रोडक्ट बना है, 75% कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग पुट कर देंगे क्या चीज़, के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स 25 है, ए 100, तो 2.303 बाय टी है 60 इंटू लॉग 100 बाय 25, ये 4 से कट गया, इसको लिख सकते हैं 2.303 बाय 60, इसको 2 स्क्वायर तो 2 लॉग 2 लिख सकते हैं, 2 लॉग 2, तो ये हो गया 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 बाय 60, तो ये 30 से कट गया, ये कितना हो जाता था 0.693, तो 0.693 बाय 30 निकल गया आपका, ये निकल गया के का वैल्यू। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.0231 पर मिनट, लेकिन कह रहा है निकालने क्या, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के लिए हम लोग क्या डेरिवेशन में ही आगे पढ़े थे, 0.693 बाय के, यही पढ़े थे, तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला भी डाटा पुट कर सकते हैं, तो 0.693 बाय के का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, 0.693 बाय 30 ऊपर चला गया, ये कट गया, तो 30
मिनट हो गया, यही हो गया मिनट्स, ठीक है 30 मिनट्स हो गया। इसका आंसर यही था, क्वेश्चन इजी था, जो हम लोग 2009 में डेरिवेशन किए थे उसी का ये एप्लीकेशन पूछ दिया, कितना आसान है। तो यही होता है, जब क्वेश्चन आप सब ईयर का पढ़िएगा तो कोनो न कोनो तरह से वो बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ टफ नहीं होता है, कभी ये शॉर्ट में भी दे सकता है आपको। अब देखिए 12 का बी, ट्वेल्व नंबर का भी देखिए क्या कहता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 12 का भी पूछा है, गिव एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल पूछा है नहीं, देखिए कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो याद रखिए H2+Cl2 रिएक्शन करेगा तो ये देगा 2HCl, टू एच सी एल गैस देगा, ये भी गैस है ये भी गैस है, ये डिफ्यूज सनलाइट के प्रजेंस में रिएक्शन करता है, इसका R जो होता है के H2 पर पावर 0, के H2 पर पावर 0, Cl2 पर पावर 0। तो जब सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर 0+0 कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 0, 0। तो कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये किसका एग्जांपल है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग जितना भी पढ़ते हैं ज़्यादातर होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिसोसिएशन ऑफ N2O5, N2O5 डिसोसिएट करता है तो क्या देता है 2NO2+ ½O2, रेट जो डिपेंड करता है R के N2O5 पर सिर्फ डिपेंड करता है, तो ऑर्डर हो गया 1, नहीं हो गया। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी डिसोसिएट करता है H2O+ ½O2 में, इसका भी रेट निकालिएगा तो के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 पावर 1, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया। ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, ऐसे एक ही कह रहा था, एक कहता है गिव एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक एक भी दे सकते थे, जरूरी नहीं है दो गो दें, ठीक है। तो ये हो गया 12, 12 में और करके पूछा है, ये 12 का ए बी हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 12 का और भी पूछा है, ये दोनों बनाइए और या तो जो और में पूछा है वो बनाइए, और में 12 का क्या है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स 1 मिनट
वन मिनट अब देख लेते हैं लाइट ऑफ किए हैं कि नहीं, नहीं तो देखिए अब जो है कथा डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल विथ स्पेशल रेफरेंस विथ डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल विथ, या आपको ये भी पूछ सकता है विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग, विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग, ठीक है। डिस्क्राइब करना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग, नीचे दिए गए रेफरेंस का हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो ए नंबर में इसमें दिया है, फर्स्ट नंबर में फॉर्मेशन ऑफ कलर सॉल्ट, कैसे फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर सॉल्ट तो फॉर्मेशन ऑफ कलर सॉल्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कलर सॉल्ट बनाता है, हम लोग जानते हैं नहीं। इसमें होता क्या है, देखिए पहले समझिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। डी ब्लॉक है, ये डी सब सेल है, जब लिगेंड अप्रोच करता है इस पर तो ये टूट जाता है T2G और EG में, ये किस में टूट जाता है T2G और EG ऑर्बिटल में, ये कहलाता है T2G और ये कहलाता है EG। T2G के अंदर होता है DXY, DYZ, DXZ, इसके अंदर होता है DX²-Y² और DZ² होता है, यही है मेरा। इसमें क्या लिखेंगे, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल डी जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको लिखते ही चलते हैं, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल या ट्रांजिशन मेटल को अप्रोच करता है, मेटल को अप्रोच करता है तो डी सबसेल भी बोल सकते हैं, या डी ऑर्बिटल T2G तथा EG में डी जनरेट हो जाता है,
डीजेनरेट हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रिस्टल फील्ड, इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। क्या लिखे? जब लिगेंड डी ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल टी टू जी और ई जी में डीजेनरेट हो जाता है, टूट जाता है। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब विजिबल लाइट से टी टू जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ई जी में ट्रांजिट करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट से एनर्जी गेन करके क्या करता है? टी टू जी से इसमें जंप करता है जिसे डीडी ट्रांजिशन, ईवीडी है जिसे डीडी ट्रांजिशन कहा जाता है, जिसे डीडी ट्रांजिशन, जिसे डीडी ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? देखिए क्या हुआ, जब लिगेंड अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल को तो डी ऑर्बिटल डीजेनरेट हो जाता है टी टू जी और ई जी में स्प्लिट के, इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट से एनर्जी गेन करके टी टू जी से ई जी में जाता है, जब करता है तो इसे डी डी ट्रांजिशन कहा जाता है। ट्रांजिशन मेटल का यह प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल का यह प्रॉपर्टी होता है कि विजिबल लाइट का एनर्जी गेन करके कलर्ड लाइट के रूप में इमिट
करता है, इमिट करता है। ये ट्रांजिशन मेटल का यह प्रॉपर्टी होता है, एक विजिबल लाइट एनर्जी गेन करके कलर्ड लाइट के रूप में इमिट करता है, ठीक है, इमिट करता है। इसी को बोला जाता है जिससे कंपाउंड कलर्ड दिखता है, जिससे कंपाउंड जिससे कंपाउंड कलर्ड दिखता है, कलर्ड दिखता है, ठीक है। ये कॉपर आयन एनर्जी ब्लू देता है, ब्लू कलर। कोबाल्ट आयन भी ब्लू कलर ही देता है, और टाइटेनियम 3+ आयन देता है पर्पल कलर। ये सब इसका गुण है। क्या लिखे, जब लिगेंड अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है, तो डी ऑर्बिटल T2g और EG में टूट जाता है, तो डी ऑर्बिटल T2 EG में डीजनरेट, इसी को डीजनरेट होना, टूट जाना कहा जाता है। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। यो पूछ सकता है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? जब इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट गेन करके T2g से EG में चला जाता है, तो इसे जिसे जंप करता है, तो इसे जब इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट से एनर्जी गेन करके T2g से EG में जंप करता है, तो इसे DD ट्रांजिशन कहा जाता है। ट्रांजिशन मेटल का यह प्रॉपर्टी होता है, विजिबल लाइट एनर्जी गेन करके कलर्ड लाइट के रूप में इमिट करता है, जिससे कंपाउंड कलर्ड दिखता है। कॉपर प्लस प्लस ब्लू दिखेगा, कोबाल्ट प्लस प्लस ब्लू दिखेगा, टाइटेनियम प्लस 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 पर्पल दिखता है। ये इसका कलर्ड प्रॉपर्टीज हो यही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा दिया है इसमें क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हो गया पहला, ये इसमें दो को था और वाले भी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जगह यूज करिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में भी, दो नंबर में भी ये दे सकता है आपको रीजनिंग, बिटा दें। अब देखिए इसका दो नंबर दिया है, इसका सेकेंड नंबर दिया है क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकेंड नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं पहले, ठीक है। तो पहले समझिए, ट्रांजिशन एलिमेंट ये दो नंबर में बहुत बार पूछा है, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ भी, ट्रांजिशन एलिमेंट के NS तथा N-1 D इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लगभग बराबर होने के कारण
के कारण ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी तथा वेरिएबल वैलेंसी या कह सकते हो या ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये पूछता है बार बार कि ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करता है क्यों, तो यही है ट्रांजिशन मेली एलिमेंट के ns तथा n-1d इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लगभग बराबर होता है, यही मेन रीजन है। ठीक है, तब याद है ना ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निम्नलिखित है, लिख लीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निम्नलिखित है, निम्न निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए हम लोग ट्रांजिशन मेटल क्या पढ़े, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम पढ़े हैं, क्रोमियम पढ़े हैं, नहीं मैग्नीज पढ़े हैं, एफी पढ़े हैं, कोबाल्ट पढ़े हैं, निकेल पढ़े हैं, क्या वो दस पूरा 300 कोबाल्ट निकेल कॉपर और जिंक। देखिए प्लस टू सब शो करता है, तो प्लस टू तो लिख दीजिए सबसे पहले, प्लस टू 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 सब शो करता है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, प्लस टू सब शो करेगा। ठीक है, अब ये एक कॉपर है प्लस वन भी शो करता है, जिंक सिर्फ प्लस टू शो करता है, स्कैंडियम प्लस टू प्लस थ्री शो करता है, टाइटेनियम प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर शो करता है, वेनेडियम बढ़ते जाएगा प्लस फाइव तक हो जाएगा, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव तक शो करेगा, क्रोमियम सिक्स तक शो करेगा, प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स शो करेगा, ये सेवन तक करेगा, इसे बढ़ता है फिर घटने लगता है, प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो मैग्नीज शो करता है। आयरन भी जो है प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स तक शो करता है, कोबाल्ट प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर शो करता है, निकेल प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर शो करता है, ये यही शो करता है, यही है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, प्लस टू। इसमें पॉइंट कुछ याद रखना है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया प्लस टू, नहीं और इसमें क्या देख रहे हैं, जो हाईएस्ट है क्रोमियम प्लस सिक्स मैग्नीज प्लस सेवन। ठीक है, ये सब जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमियम सिक्स प्लस मैग्नीज सेवन
सेवन प्लस एमएन एमएन सिक्स प्लस भी नहीं छोड़ी क्रोमियम सिक्स प्लस एमएन सेवन प्लस वेनेडियम प्लस फाइव ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा टू प्लस वाला स्कैंडियम टू प्लस रिड्यूसिंग एजेंट होगा टाइटेनियम टू प्लस भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा वेनेडियम टू प्लस भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा इससे बढ़ेगा ना ऑक्सीडेशन नंबर आयरन टू प्लस भी ये सब है रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ये सब ऑब्जेक्टिव में दे सकता है ठीक है तो ये होता है अब ये जानिए खाली कि एक्वस ये जानना है क्रोमियम थ्री प्लस स्टेबल होता है एक्वस मीडियम क्रोमियम थ्री प्लस इज स्टेबल इन एक्वस मीडियम ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी भी डाल सकता है आपको ठीक है अब देखिए कोबाल्ट थ्री प्लस ये भी पॉइंट याद रखिएगा कोबाल्ट थ्री प्लस तथा निकेल टू प्लस कंप्लेक्स कंपाउंड में स्टेबल रहता है कंप्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है में स्टेबल होता है ठीक है अब देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट आयनिक होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट आयनिक नेचर का होता है आयनिक नेचर तथा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट नेचर का होता है ये सब पॉइंट जानना चाहिए देखिए आपको आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट तो आपको लिखना है यही सिर्फ ये तो मैं लिख दिया कि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है तो ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्रोमियम थ्री प्लस स्टेबल होता है एक्वस मीडियम में कोबाल्ट थ्री प्लस निकेल टू प्लस कम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल बनाता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसे लोअर सबका प्लस टू है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक नेचर का होगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा कोवेलेंट नेचर का होता है ये सब कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा कोवेलेंट नेचर का ही हुआ मतलब ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया ठीक है 13 नंबर एकदम इजी है देखिए नोमेनक्लेचर है अब हम लोग पढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन इसमें और करके जो देता है ना तो बहुत हो जाता है क्वेश्चन 13 में भी और हो सकता है हो देखिए अब क्या क्या है 13 नंबर में क्वेश्चन में है 13 नंबर क्वेश्चन में है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द
फॉलोइंग, निम्नलिखित का कहता है आईपीएससी नाम लिखिए, इसमें फर्स्ट देखिए क्या दिया है, एकदम आसान है, सी एस थ्री सी ओ एन एस टू, फर्स्ट दिन ये सब पढ़ा देते हैं। इथेनामाइड है इथेन एमाइड, इथेनामाइड पढ़ते हैं। दूसरा नंबर है सी एस थ्री, एकदम आसान आसान नोमेनक्लेचर सब पूछा है, सी एस टू सी ओ सी एल, तो सी ओ सी एल क्या है, ऑयल क्लोराइड है, तो यहाँ से कार्बन काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर, थ्री मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूट एयर ऑयल क्लोराइड, ब्यूटन ऑयल क्लोराइड हो गया, नहीं हो गया, यहाँ से काउंटिंग वन और टू हो जाएगा, इथेनामाइड हो गया। थर्ड नंबर दिया है, बहुत आसान है, सी एस थ्री ओ सी एस टू सी एस थ्री, लॉन्गेस्ट चेन इधर चला गया आपका, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा इसका नाम। फोर्थ नंबर दिया है, एकदम आसान आसान सब है, सी एस थ्री सी एस टू सी एन है, सी एन सी एन, तो वन टू थ्री, प्रोपेन नाइट्राइल है, प्रोपेन नाइट्राइल नहीं। देखिए अब फिफ्थ नंबर पूछा है, यही सब है, पांच नंबर का पूछ दिया फर्स्ट हो, यहाँ पर सी डबल ओ एच, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पर आपका ऐसे मिथाइल भी है तो क्या है, फाइव मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड है, फाइव मिथाइल हेप्ट एन ओइक एसिड, पांच नंबर का था, पांच नंबर का पूछ दिया ये, तो ये इसी तरह का पूछता है क्वेश्चन, टफ नहीं होता है। अब जैसे इसका एक और में पूछा है, तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो यही है लेकिन पोलिमराइजेशन के बारे में पूछा है, अब देखिए, और इसका और में 13 का और, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं, देखिए अब इसका और जो पूछा है, और क्या पूछा है, 13 का और पोलिमराइजेशन, 13 का और जो पूछा है, 13 का और पूछा है पोलिमराइजेशन, पोलीमेराइजेशन, पोलीमराइजेशन क्या है, वैसा प्रोसेस जिसमें, वैसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर, कौन सी कन्वर्ट होता है मोनोमर से पॉलीमर, मोनोमर से पॉलीमर, मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, उसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, उसे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब पूछा है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है,
तो एडिशन पोलीमराइजेशन पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पोलीमराइजेशन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोलीमराइजेशन। तो पहला होता है एडिशन पोलीमराइजेशन, एडिशन पोलीमराइजेशन। एडिशन पोलीमराइजेशन दो पार्ट में होगा, नहीं होमो और कोपोलीमर, होमो एडिशन पोलीमराइजेशन, होमो एडिशन और को पॉलीमराइजेशन। हम लोग फिर अलग अलग पढ़ेंगे सबका, पहले एक बार लिख लेते हैं। सेकंड नंबर खांसी हो गया है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब एडिशन से हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। देखिए ये और है, 13 का और था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। इतना तो नहीं लिखना रहेगा आपको, लेकिन हम लिख दे रहे हैं तो क्या, आपको तो नोट पढ़ना भी है ना, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लिख दे रहे हैं। आपको अपने शॉर्ट हो जाएगा जब लिखने लगेगा तो। देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन किसको कहते हैं, जब सेम या डिफरेंट इंक थोड़ा कम हो गया, अब थोड़ा दूसरा ले। जब सेम या डिफरेंट मोनोमर एक दूसरे से ऐड होकर, अभी जबकि इसका बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, ऐड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, ऐड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है तो उसे एडिशन पोलीमराइजेशन कहा जाता है, तो उसे एडिशन पोलीमराइजेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मोनोमर ऐड होता है, नहीं इसमें क्या होता है, मोनोमर ऐड होता है, ऐड होकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। अब इसका टाइप्स लिखिए, टाइप्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल ए में क्या लेंगे, होमो पॉलीमर किसको कहेंगे, जब सेम मोनोमर
जब सेम मोनोमर एक दूसरे से ऐड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है तो उसे होमोपॉलीमर कहा जाता है तो उसे होमोपॉलीमर कहा जाता है। जैसे हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं, एन मोलेकुलीथीन लिए, ये पॉलीमराइज होता है, ये बन जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल एन, ये कहलाता है पॉलीथीन। ये क्या है? इथीन है। इसी तरह टेट्राफ्लोरोइथेन एन मोलिकूल CF2 डबल बॉन्ड CF2 लेते हैं, ये पॉलीमराइज होता है, पॉलीमराइजेशन। तो ये फिर पॉलीमराइज होकर के क्या देता है? टेफ्लॉन CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 होल एन, ये हो गया टेफ्लॉन। यही है होमोपॉलीमर, इसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। एन मोलेकुल सेम, जब सेम मोनोमर एक दूसरे से ऐड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, सेम मोनोमर है, अलग तो है नहीं, इसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोपॉलीमर, इसका बी पार्ट, इसका पढ़ेंगे बी पार्ट, कोपॉलीमर बी हो जाएगा इसका, कोपॉलीमर। जब डिफरेंट मोनोमर एक दूसरे से ऐड होकर जब डिफरेंट मोनोमर एक दूसरे से ऐड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है तो उसे कोपॉलीमर कहा जाता है। जैसे ब्यूटा 1,3-diene प्लस स्टाइरीन लेते हैं, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH पे बेंजीन रिंग, ये कहलाता है स्टाइरीन। ये बना देता है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पे बेंजीन रिंग आ जाता है, इधर हो गया CH2 का होल एंड, ये हो गया ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन मिलता है, दो अलग अलग मोनोमर हो गया, तो ये बन गया बुना एस।
यही सिंथेटिक रबर में हम लोग लिखे थे 2009 में, यही ब्यूटाडाइन, यही ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3-डाइन, अगर एक्राइलो नाइट्राइल से प्लस एक्राइलो नाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH पे CN अगर लेते हैं, ये पॉलीमराइज होता है, इसका भी एन मॉलिक्यूल, इसका भी एन मॉलिक्यूल, एन एन है तब वो होल एन बनेगा, ठीक है, तब ये बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये चला जाएगा CH2 CH CN होल एन, ये बन गया आपका एक बुना एन इसका नाम है, ये इसको कहते हैं एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। तो ये हो गया को पॉलीमर का एग्जांपल, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है, जब बाय प्रोडक्ट निकलेगा कुछ तो उसको कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, इसका आप सेकेंड पार्ट लिखते हैं पॉलीमराइजेशन का, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। देखिए अब कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये सब पे अलग अलग भी नोट आ सकता है लिखने, कंडे व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दो नंबर में देगा, व्हाट इज को पॉलीमराइजेशन दो नंबर में देगा, जब दो डिफरेंट, जब दो डिफरेंट बाय फंक्शनल, बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप वाला, ट्राई फंक्शनल ग्रुप वाला क्या वो लिख रहे हैं, जब दो डिफरेंट बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप वाला मोनोमर ऐड होकर, मोनोमर ऐड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, ऐड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन, मोनोमर रिपीट हो एक ही बात है, पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, क्या लिखे, जब दो डिफरेंट बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप वाला मोनोमर ऐड होकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है उसे कंडेंसेशन करता है, उसे कंडेंसेशन सेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसमें स्मॉल, इस प्रोसेस में स्मॉल मोलिकूल क्या होता है, H2O HCl बाहर निकलता है, इस प्रोसेस में स्मॉल मोलिकूल H2O HCl etc
बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। तो कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन का बहुत एग्जांपल है, लेकिन हम लोग लिखते हैं ये वो नाइलॉन 66 हेक्सामिथिलीन डायमीन NH CH2 होल 6 NH, इसको बोलेंगे हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन, डायमीन। इसका N मोलेकुल लेता है, इसके साथ ADP की सीट जुटता है, OH COO CH2 का होल 4 COO OH। ADP की सीट वह या हेक्सेन 16 डायोइक एसिड, ADP की सीट। ये जब इसका भी N मोलेकुल जब कंबाइंड करेगा तो ये NH2O निकल गया, ये यहाँ से बाहर हुआ, ये यहाँ से बाहर हुआ होगा, ये यहाँ से बाहर होता है, ठीक है। तो ये क्या बचा, यही वाला पोर्शन जो बचा वही है, तो बचा आपका NH CH2 का होल 6, फिर क्या बचा NH, फिर बचा CO, फिर बचा CH2 का होल 4, फिर CO होल N जब निकल जाता है, अब फिर H2O निकल गया होगा, NH2O प्लस NH2O, यही है नायलॉन 66। नायलॉन 66 नाम क्यों पड़ा, इधर भी 6 कार्बन इधर भी 6 कार्बन, इसलिए उसका नाम पड़ गया नायलॉन 66, समझे। अब हम लोग देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है एन एलिमेंट ए एटॉमिक मास 100 ग्राम हैविंग BCC स्ट्रक्चर हैज यूनिट सेल एज लेंथ 400 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 10 ग्राम ऑफ ए। डेंसिटी निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर बी सी सी के लिए क्या होता है, जेड इक्वल टू 2, ए दिया हुआ ही है 400 पिकोमीटर है ना, तो 400 इंटू 10 पावर कितना हो गया, इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर हो गया, इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा 10 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, 400 इंटू 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया, इसको 4 इंटू 10 पावर 8 माइनस 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं तो डेंसिटी का राय निकालने, डेंसिटी ऑफ एट डी बराबर क्या होता है, जेड एम बाय ए क्यू एन ए, यही होता है, जेड है आपका 2, एम है दिया हुआ 100 बाय ए क्यूब 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 का होल क्यूब, एन ए का वैल्यू कितना होता है, एन ए का वैल्यू 6.023 इंटू 10 पावर 23 होता है। अब इसको सॉल्व करना है, 200 बाय ये तो हो गया 64 इंटू 10 पावर 24 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23। देखिए डेंसिटी कितना निकल जाएगा,
200 बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 6.023 इंटू 10^-1, यानी 6.6 हो गया। तो ये जब डिवाइड कीजिएगा तो ये करीब करीब आ जाएगा 38, ये 6.4 हो जाएगा, तो 200 बाय 38.547। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो करीब करीब 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये तो निकल गया डेंसिटी, लेकिन कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 10 ग्राम ना, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? अब देखिए, पहले वॉल्यूम ऑफ ए निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ ए क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। बड़ा क्वेश्चन पूछा है, मास है 10 ग्राम, डेंसिटी निकाल लिए 5.19, ये हो गया 1.92 cm क्यूब निकल गया। वॉल्यूम ऑफ ये निकाल लिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल कह रहा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं? यूनिट सेल निकालते हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ, बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। देखिए टोटल वॉल्यूम कितना निकाले, 1.92, 10 ग्राम में यही है 1.92 बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ए क्यूब। वन यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, 4 × 10^-8 का होल क्यूब, ये हो गया 1.92 बाय 64 × 10^-24। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 192, ऊपर जाएगा तो 10^22 हो जाएगा, तो 192 × 10^22 बाय, या आप लोग को दिक्कत होगा तो एक बार लिख देते हैं 10^24/64। इसको अब लिख सकते हैं ना, 192 × 10^24/64, तो ये कितना से कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। देखिए एग्जैक्ट कट गया, 3 × 10^22 यूनिट सेल, यही 10 ग्राम में निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल बहुत होता है। क्या कह रहा था, एन एलिमेंट एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो मास दे ले है 100 ग्राम। बीसीसी जैसे बोला, बीसीसी के लिए Z = 2 जानते हैं, एफसीसी के लिए 4 जानते हैं, नहीं सिंपल क्यूबिक के लिए 1 जानते हैं, ये सब तो पढ़ा हुआ है बेसिक में। तो ये फॉर बीसीसी Z = 2, ए निकाल लिए इतना सेंटीमीटर, D = Zm/aq, एन ए निकाल लिए, ठीक है। तो ये निकल गया 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ए का डेंसिटी। अब दिया हुआ है 10 ग्राम में कितना यूनिट सेल है, 10 ग्राम में पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो मास बाय डेंसिटी करके वॉल्यूम निकाल लिए 10 ग्राम का, तो उसमें अब वॉल्यूम नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 1.92 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, तो वो हो जाएगा 3 × 10^22। इसका और भी पूछा है, राइट फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसका और 14 का और भी है, या तो न्यूमेरिकल बनाइए या तो इसका लिखने वाला और में देखते हैं क्या है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, हो गया। अब देखिए 14 का और में क्या पूछा है, फोर्टीन
14 का और में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राइट द फॉलोइंग गिविंग केमिकल इक्वेशन, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग गिविंग गिविंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या क्या चीज लिखना है भाई, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, तो जॉन बेकर तो ये तो लिखाए हैं नेम ऑफ रिएक्शन में, लिख लीजिए पर कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसे भी याद रखिएगा इसको, ठीक है। प्राइमरी एमीन हो एलिफैटिक चाहे एरोमेटिक, क्लोरोफॉर्म और केओएच के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, आइसोसनाइड का ऑफेंसिव स्मेल देता है, इसको कैसे लिखेंगे, जब प्राइमरी एमीन को केओएच तथा क्लोरोफॉर्म के साथ हीट किया जाता है, साथ के साथ हीट किया जाता है, हीट किया जाता है तो हीट किया जाता है तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है जिस इसे कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहा जाता है, इसे कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए ये भरने के लिए बार बार पूछेगा आपको, CH3, CH2, NH2 + CHCl3 + 3 KOH, ये बन जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड, CH3, CH2, NC बन जाता है, N डबल बॉन्ड क्वार्टनेट बॉन्ड, ठीक है, NC + 3 KCl + 3 H2O, इसको बोलते हैं इथाइल एमीन, प्राइमरी एमीन है 1 डिग्री एमीन, ये हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड। आपका अगर मन है कि प्राइमरी एमीन हम बेंजीन रिंग में लें, ले सकते हैं, इसमें भी बनेगा, इसमें भी सेमे रिएक्शन होगा, इसको क्या पढ़ेंगे एनिलीन, इसको पढ़ेंगे इथाइल एमीन, ऊपर वाले पढ़ेंगे इथाइल एमीन, इसको पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म, ये केओएच जन्म करते हैं, प्लस थ्री केओएच से मेरे रिएक्शन होता है, कुछ नहीं होता है, इसमें खाली फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, ये बना फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसको पढ़ेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, +3 KCl + 3 H2O, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद भी रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, कन्वर्शन में पूछेगा, कहीं भी यूज हो जाएगा इसका, ये सब रिएक्शन भूलना ही नहीं है। कोई भी प्राइमरी एमीन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और
के वज के साथ हीट करते हैं तो वो क्या देता है, फिनाइल आइसोसनाइड या इथाइल आइसोसनाइड का ऑफेंसिव स्मेल देता है, तो जिसे कार्बाइलेमिन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो नंबर पूछा है उर्ज रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। साइनाइड लिखे हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, ले लिए मिटा दें। दूसरा पूछा है उर्ज रिएक्शन, देखिए उर्ज रिएक्शन सेकेंड नंबर है, उर्ज रिएक्शन किसको कहते हैं, उर्ज रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ ड्राई इथर मीडियम में, ड्राई इथर मीडियम में रिएक्शन करके हाइयर एल्केन देता है, करके हाइयर एल्केन देता है, हाइयर एल्केन देता है, इसे उर्ज रिएक्शन कहा जाता है, इसे उर्ज रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए जैसे RCl है, RX है, RX सोडियम मेटल, फिर RX से रिएक्शन करता है तो ये देता है RR, दुगुना हो गया प्लस 2NaX। अब जैसे मान लीजिए लेते हैं CH3Cl, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ये, तो ये देगा इथेन, ये दे देगा इथेन प्लस 2NaCl। ठीक है, यहाँ क्या है, ड्राई इथर मीडियम है, ड्राई इथर है, ड्राई इथर मीडियम में रिएक्शन करता है। ठीक है, तीसरा पूछा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्सन में तो एकदम कोई भी कन्वर्सन बनाइएगा इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाइएगा जल्दी, अगर एलिफेटिक का है तो। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, देखिए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन किसको कहते हैं, जब बेंजीन HNO3 नाइट्रिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 कॉन्क दे दीजिए, कॉन्क HNO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करके नाइट्रो बेंजीन देता है, इसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहा जाता है, इसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहा जाता है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहा जाता है,
दैट इज वन ऑफ बेंजीन कहा जाता है. क्योंकि बेंजीन बेंजीन है कॉन्क H2SO4 प्लस HNO3 के साथ रिएक्शन करता है. इसका मैकेनिज्म सब अपलोड रहेगा, आप लोग मैकेनिज्म भी देख सकते हैं वीडियो में, पैरामाउंट क्लासेस में रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सब वीडियो मिल जाएगा. तो ये बनता है नाइट्रो बेंजीन बन गया, प्लस H2O निकल जाता है. ये है नाइट्रो बेंजीन ये है बेंजीन. इसी को बोला जाता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. जब बेंजीन कॉन्क HNO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करके नाइट्रोबेंजीन देता है, इसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहा जाता है. ये रिएक्शन लिख देंगे हम लोग खाली, बस लास्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स. इसको लिख लीजिए, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए. हो गया, देखिए अब 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है 2010 का 15 नंबर. देखिए 15 नंबर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है. नहीं तो देखिए क्या है, ए में है इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराया है अल्कोहलिक केओएच के प्रेजेंस में क्या देता है, इलिमिनेशन रिएक्शन. ये बन गया इथीन ए, यही है ए भरने के लिए. फिर अल्कलाइन के MnO4 के साथ कराया है, अल्कलाइन के MnO4 के MnO4 ओब्लिक OH माइनस दे या अल्कलाइन के MnO4 लिखा रहे, तो ये देता है इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH. ये देता है इथिलीन ग्लाइकॉल, यही बी नंबर है. इसका नाम क्या है, इथिलीन. इसका नाम क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, या इथेन 1,2-diol बी नंबर. देखिए इसका ए में पहला था, दूसरा है कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं. क्या बताए थे, कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, एसीटोन बनता है. लेकिन यहाँ देखिए क्या एसीटोन ही बनाना है, एसीटोन बनता है यही ए बना. इसका नाम क्या है, एसीटोन या प्रोपेनोन बोलेंगे. नहीं, इसका रिएक्शन फिर करा दिया ZnSCl, तो क्या करता है, किलमेंसन रिडक्शन है. ये सब CO को एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया प्रोपेन. ये क्या बन गया, प्रोपेन. ये बी बन गया, यही भरना था, ये भी कुछ नहीं था. नहीं देखिए बी, अब बी नंबर क्वेश्चन में फिर दिया है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ 2° and 3° एमीन विथ IPAC नेम. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ 2° and 3° एमीन विथ IPAC नेम, विथ IUPAC नेम.
आसान क्वेश्चन है, देखिए 2 डिग्री अमीन किसको कहते हैं? 2 डिग्री अमीन बीच में NH ग्रुप रहेगा, ये जैसे है इसका, ये 2 डिग्री मिथाइल भी ले सकते थे, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? N मिथाइल इथेनामाइन, हम प्रोपेनामाइन भी ले सकते, अपना मन है, हम खुद देना है 2 डिग्री का एग्जांपल, N मिथाइल इथेनामाइन, आपका मन है एक गो दीजिए तो N मिथाइल मिथेनामाइन हो जाएगा, तब प्रोपेनामाइन ब्यूटेनामाइन मतलब बीच में N होना चाहिए, ये 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन बीच में रहेगा, CH3 N CH2 CH3, इधर हम रामन है CH2 CH2 CH3 ले लिए, तो ये है 3 डिग्री अमीन, इसको क्या पढ़िएगा? N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन, यह है 3 डिग्री अमीन, आपका मन है तो यहीं पर तीनों CH3 ले सकते हैं, N N डाइमिथाइल प्रोमिथेनामाइन हो जाएगा, एग्जाम्पल लिखना है कोनो भी ले, ठीक है। सी नंबर में दिया है, अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज द एसिड इन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए सी नंबर में दिया है, पहला है CH3COOH, दूसरा में है फॉर्मिक एसिड, तीसरा में है Cl2CH COOH, इसमें है Cl CH2COOH, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे कम है पहले उसको लिखेंगे, तो इसमें देखिए प्लस आई इफेक्ट है, नो प्लस आई, माइनस दो दो ठो है, मोर माइनस आई, इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट, तो हम लोग कौन जानते हैं ये सबसे कम हो जाएगा प्लस आई कारण, तो आंसर क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड सबसे कम, तब मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये हो जाएगा क्लोरोइथेनोइक एसिड, माइनस आई कारण इसका क्या हो गया? बढ़ गया, और दो दो गो माइनस आई कारण ये और ज़्यादा बढ़ गया, नहीं इसमें दो माइनस आयन है, इसमें एक माइनस आई है, इसमें प्लस आई कुछ नहीं, इसमें प्लस आई है, तो कंसेप्ट क्या है इसका? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, इसी कंसेप्ट का यूज करके ये बना लिया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये था आपका 15 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो केयरफुली इसको पढ़िएगा, ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है, ये आपको शॉर्ट में भी दे सकता है, फिर कभी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, तो ये सब इंटरचेंज होते रहता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, सिर्फ जो डेरिवेशन है या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होगा वही लॉन्ग क्वेश्चन होता है,
अदरवाइज ये सब क्वेश्चन सब शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कहीं भी डाल सकता है, ठीक है। इसको केयरफुल होकर के देखिएगा। थैंक यू।